चैंपियंस केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोगों को आज मैं चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आंसर की करवाने जा रहा हूँ। आप लोग इसे देखें और अवश्य इसे सब्सक्राइब करें चैनल। सबसे पहला क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक अवरोधक है? क्वेश्चन कह रहा था निम्न में कौन एक अवरोधक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड, यानी एक का बी हो जाए। एक का क्या होगा? बी हो जाए, यानी डायमंड हो जाए। निम्न में कौन सा हेलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है? निम्न में कौन सा हेलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है, तो इसका आंसर हो जाए एच आई। दो नंबर का हो जाएगा सी एच आई, कोई दिक्कत। दूसरा का एच आई कहता तनु H2SO4 की वैधुत अपघटन है, तनु H2SO4 के वैधुत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता, कैथोड पर एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होता? तनु H2SO4 का जब वैधुत अपघटन तो एनोड पर जो है O2 गैस मुक्त होता, O2 गैस मुक्त होता है। तनु H2SO4 के वैधुत अपघटन से एनोड पर O2 गैस मुक्त होता। कहता सांद्रता को बिना खोए ZnCl2 किसके संपर्क में नहीं रखा जाता है? सांद्रता को बिना खोए ZnCl2 किसके संपर्क में नहीं रखा जाता है, तो कहता है सिल्वर के संपर्क में नहीं रखा जा सकता। चार का हो जाएगा आपको डी, चार का क्या होगा? डी हो जाएगा, तो यानी सांद्रता को बिना खोए ZnCl2 सिल्वर के संपर्क में नहीं रखा जा सकता। उसके बाद है पांचवा नंबर सवाल है, जो तनु H2SO4 के विद्युत विच्छेदन में, तनु H2SO4 के विद्युत विच्छेदन में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड उपयोग करने पर एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है? एनोड पर फिर पूछ रहा तनु H2SO4 के वैधुत अपघटन से, तो एनोड पर कौन सा गैस मुक्त हो? O2। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, तो पाँच का क्या होगा? पाँच का हो जाएगा बी। छठा नंबर है, द्रवित NaCl के वैधुत अपघटन से, द्रवित NaCl के वैधुत अपघटन से कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? कहता है द्रवित NaCl के वैधुत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो आप लोग जानते होंगे NaCl जब टूटता है तो ये Na+ और Cl-, तो आप बताइए Na+ और Cl- तो कैथोड पर क्या हो? सोडियम गैस। तो छठा नंबर क्या होगा? छठा नंबर हो जाएगा आपको बी। सातवा नंबर है, जो निम्न में कौन सा ऑक्साइड गर्म करने पर ऑक्सीजन देता है? निम्न में कौन सा ऑक्साइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन देता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ए होगा आंसर इसका। निम्न में कौन सा ऑक्साइड गर्म करने पर ऑक्सीजन देता है, क्या होगा? CaO। सातवा नंबर हो जाएगा ए। आठवां नंबर सवाल है, फेराडे के प्रथम विद्युत विच्छेदन का नियम, तो फेराडे के प्रथम विद्युत विच्छेदन के लिए बताए थे पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा का समानुपाती था। पदार्थ की मात्रा क्या है तो प्रवाहित धारा का, तो W बराबर क्या Q Z into Q। आज Q का मान था IT या CT, तो यहाँ पर CT दिया होता है, W बराबर क्या होगा? Z into CT, तो इसका क्या होगा? तो अब बताए फेराडे के प्रथम विद्युत विच्छेदन का नियम ए हो जाएगा आठ नंबर। अगला नवा नंबर सवाल है, जो निम्न में कौन सा अम्ल जलीय विलयन से हाइड्रोजन मुक्त करता, निम्न में कौन सा अम्ल निम्न में कौन सी धातु अम्ल जलीय विलयन से हाइड्रोजन मुक्त कर कॉपर हो जाए, इसका क्या होगा? कॉपर हो जाए। कहता है फेराडे के परत, 11 नंबर सवाल है, निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है? निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है, तो हम बताए थे फास्फोरस के आयनिक विभव का मान सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन द्वितीयक सेल है? हम बताए थे टाइप ऑफ सेल, प्राइमरी सेल के अधीन बताए थे लेड स्टोरेज, प्राइमरी सेल के अधीन बताए थे लेक्लांत सेल और सांद्र सेल, और द्वितीयक सेल के अधीन बताए थे लेड स्टोरेज सेल, तो इसका क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा। 234.2 ग्राम चीनी में 34.2 ग्राम चीनी घोल का मोलर सांद्रता 0.5 हो जाए, क्या होगा इसका? 0.5 हो जाए।
तो 10 9 का हो जाएगा आपको, 9 का सी हो जाएगा, 10 का ए होगा, 11 का आपको 11 का सी होगा, 12 का आपको बी हो जाएगा। 13 नंबर में क्या था, विद्युत अपघटन की क्रिया में, विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है, विद्युत अपघटन की क्रिया में कहते हैं कैथोड पर होता है, तो कैथोड पर क्या होगा ऑक्सीकरण नाम, कैथोड पर क्या होगा अवकरण, और एनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण। कहता है 1 mol Al3+ को अपचायित करने के लिए कितने फेराडे विद्युत धारा प्रवाहित करना, 1 mol Al3+ को अपचायित करने के लिए कितने फेराडे विद्युत धारा प्रवाहित करनी, तो क्या फेराडे बताए थे ना 14 नंबर, 3 फेराडे हो जाएगा, क्या होगा 3 फेराडे हो जाएगा, इसका भी बी हो जाएगा। अब है 15 नंबर सवाल, कितने निम्न में विलयनों में किसकी सबसे उच्च वैद्युत चालकता है, निम्न विलयनों में किसकी सबसे उच्च वैद्युत चालक, इसका हो जाएगा 0.1 mol diafluoroacetic acid। सोडियम क्लोराइड का रवा बना है, तो सोडियम क्लोराइड का रवा किससे बना है, Na+ और Cl- से, तो 15 का हो जाएगा बी, 16 नंबर में हो जाएगा ए, 17 नंबर में कहता विद्युत की वह मात्रा है जो AgNO3 के घोल से 108 ग्राम Ag मुक्त करता है, कितना फेराडे के लिए, 17 ए 1 फेराडे के लिए होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, जंग का रासायनिक सूत्र क्या हो, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो 18 नंबर हो जाएगा आपको बी नंबर, Fe2O3 × XH2। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3 × XH2। उसके बाद चालकता का मात्रक होता है, कंडक्टेंस का मात्रक होता है, तो इसका तो पर ओम निकाल करके हम लोग बताए थे, 19 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, 19 का क्या हो ए होगा। उसके बाद 20 नंबर, यदि इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन को 9 गुना तनु कर दिया जाए, यदि इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन को 9 गुना तनु कर दिया जाए तो उसका चालकता क्या होता है, 9 गुना बढ़ जाता, तो इसका 20 नंबर 20 का ए हो जाए। 11 नंबर, फेराडे के द्वितीय विद्युत विच्छेदन का नियम, तो हम बताए थे फेराडे के अनुसार जब भिन्न इलेक्ट्रोलाइट से सेम इलेक्ट्रिक करेंट को पास किया जाता है तो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक का समतुल्य भार के विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के बराबर होता, तो इसका क्या होगा 21 नंबर, 21 का डी हो जाए। 22 नंबर सवाल है, तो निम्न में कौन फेराडे के द्वितीय विद्युत विच्छेदन के नियम, इसको प्रूव किए थे हम लोग जो W1/W2/ZE1/E2, इसका समीकरण क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका भी। उसके बाद संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक है, संक्षारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है, कहते धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान होने का, 23 नंबर क्या होगा ये होगा धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान का होना। 24 नंबर है, निम्न में CuSO4 के घोल से Cu को विस्थापित करता है, कौन करता है, हम बताए थे विद्युत रासायनिक श्रेणी, हाइड्रोजन से ऊपर सभी तत्व हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है और हाइड्रोजन से नीचे सभी तत्व हाइड्रोजन से कम क्रियाशील, तो यह समीकरण कौन करेगा Pb, 24 नंबर क्या होगा Pb। अब 25 नंबर है, जो वह सारणी जिसमें विभिन्न धातुओं को विभांतर क्रम से सजाए गए हो कहलाता है, वह सारणी जिसमें विभिन्न धातुओं को विभांतर क्रम में सजाए गए उसको कहलाता विद्युत रासायनिक श्रेणी, 25 का हो जाएगा ए, सॉरी बी भी नहीं, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद 26 नंबर सवाल है, किसी भी गैल्वेनिक सील में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, किसी गैल्वेनिक सील में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है, किसी गैल्वेनिक सील में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है, तो इसका हो जाएगा बी, 27 नंबर। कहते हैं प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हुए सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन से एनोड पर मुक्त होता है, O2 गैस बी हो जाए।
अब उसके बाद है 28 नंबर सवाल है, जो Zn Zn2+ में हम बताए थे किस सेल के लिए रिएक्शन होता है, डेनियल सेल के लिए बी हो गया है। उसके बाद एक वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अंत आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड पर वाय आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड पर, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अंत आपूर्ति के द्वारा कैथोड से एनोड पर जाता है, अंत आपूर्ति के द्वारा कैथोड से एनोड पर जाता है। कहते किसी भी प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता, प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता तनुता पर धीरे से बढ़ती है। 29 का ए हो जाए, किसी भी प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता तनुता पर धीमे से बढ़ती है। कहते हैं 31 नंबर, किसी गैल्वेनिक सेल में होता है कैथोड पर अवकरण, कैथोड पर ऑक्सीकरण, क्या होगा कैथोड पर ऑक्सीकरण, 31 का ये हो जाए। 32 नंबर सवाल है, जो लवण सेतु में KCl का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह एक वैद्युत का सुचालक है, लवण सेतु में KCl का उपयोग किया क्योंकि यह वैद्युत का सुचालक होता है, किसका क्या होगा ऑप्शन, 32 नंबर सी हो जाए। 33 नंबर सवाल है, जो 32 का सॉरी ऑप्शन दो है, दो ऑप्शन है 32 से 32 और देख लीजिए। कहता है लवण सेतु में KCl का उपयोग, ये तो KNO3 का संतृप्त विलयन लवण सेतु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, KNO3 का संतृप्त विलयन लवण सेतु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, K+ एवं NO3 की गति लगभग समान होता है, इसलिए इसका क्या हो जाए, सी हो जाए। उसके बाद 33 नंबर सवाल है, जो सेल स्थिरांक को सूचित किया जाता है, सेल स्थिरांक को हम बताए थे LyA से सूचित किया जाता है, इसका क्या होगा, ए हो जाएगा। 34 नंबर, ABCD तीनों का चालकता दिया, 1.36 -0.42 -0.42 1.34, तो सबसे अधिक सक्रिय वाला तत्व, सबसे अधिक किसका सक्रिय, एक का दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 1.36 और दूसरा दिया -0.42 1.34, सबसे अधिक किसका हो, एक, तो 34 नंबर, 34 क्या होगा, ये हो जाए। 35 नंबर सवाल है, जो अर्धशेल की अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का, तो इसके लिए क्या हो, +35 वोल्ट भी हो जाए। अगला सवाल, एपेलो मिशन सेल में उपयुक्त सेल है बेकॉन सेल, एपेलो मिशन में प्रयुक्त जो होता है यह बेकॉन सेल होता है, क्या हो जाएगा डी। उसके बाद है 36 नंबर में, 37 नंबर है, एपेलो मिशन सेल में प्रयुक्त सेल का ईंधन है H2O2, एपेलो मिशन सेल में प्रयुक्त ईंधन H2O2 होता है, ठीक। उसके बाद है 38 नंबर, 96,500 कूलम्ब विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है 31.7 ग्राम कॉपर, इसका भी हो जाए। उसके बाद है 39 में है, निम्न में कौन शक्तिशाली अम्ल है, इसका हो जाएगा आपको 39 का बी नंबर, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता, तो I2 होता। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है 40 नंबर, ये भी पहले भी बता चुके हैं, टी हो जाए। 41 नंबर, विशिष्ट चालकता की मात्रक होता तो पर ओम पर सेमी, 41 का हो जाएगा आपको सी। 42 नंबर में है, सोडियम फ्लोराइड के जलीय विद्युत अपघटन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है O2 एवं Na, क्या होगा, O2 एवं Na सी हो जाए। कहता निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, अल्कोहल शक्कर सभी हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl होगा, शक्कर तो हो नहीं सकता है,
अल्कोहल तो हो नहीं सकता है, आयन भी टूटेगा तो हमने आयनी की होगी, तो इसलिए इसका क्या होगा? आपको 43 नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है 44 नंबर सवाल, जो किसी चालक की चालकता प्रतिरोध किसी भी चालक एवं प्रतिरोध के बीच किस प्रकार संबंध है? तो सी बराबर आई बाय आर, तो सी हो जाएगा इसका। वह उपकरण जिसमें ईंधन का जैसे हाइड्रोजन मीथेन का दहन ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उस सेल को हम लोग ईंधन सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। उसके बाद है जो चार तापमान वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती? घटती है। क्या होगा? तापमान जब वृद्धि किया जाए धातु की चालकता क्या होता है? घटती है। टेनियल सेल में होने वाले अभिक्रिया Zn+Cu2+ और Zn2++Cu, तो क्या हो जाएगा? 47 नंबर आपका सी हो जाएगा। कहता सिल्वर नाइट्रेट की घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए प्रयुक्त